जी सर। तो बेसिकली मैं इमरान का इंट्रोडक्शन तो आपको करा ही चुका हूँ और बता ही चुका हूँ कि इमरान कितने अच्छे इंसान हैं, और ये देखिए इमरान हाजिर हैं। कैसे हैं जनाब? हाजिर बिल्कुल जनाब, ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र, इट्स गुड टू सी यू। मैं थैंक यू सो मच आसिम, आपने बुलाया तो मैं कैसे ना था। नहीं नहीं यार, मैं अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि ये वो दोस्तों में से हैं जिन्होंने खुद बढ़ चढ़ के मुझे हेल्प की जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो बस ऑफिशियली तो मैं आपका क्या थैंक यू अदा करूं, जो आपने इतनी आई थिंक तुमने सबसे ब्रीफ और लॉन्गेस्ट वीडियो हमें दी, तुमने सबसे क्विकेस्ट की और सबसे पहले पोस्ट भी की, सो आई एम लाइक क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत एक्साइटेड था इस सब चीज को लेके। मुझे इसके बाद भी लोगों ने कुछ और भी ऐसे भेजा, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ इतना, खैर जितने भी लोगों के साथ इस मामले में तो हम साथ उनका दें क्योंकि एक कॉज ऐसा है, लेकिन आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेस्ड द वे यू इनिशिएटेड दिस होल कैंपेन। और उसमें सबसे अच्छी बात यह कि सिर्फ आप बना के वो सूट्स या वो जो है जो गियर्स हैं या जो वो सो क्या कहते हैं टेक्निकल आपकी लैंग्वेज में पीपी सूट पीपीज, हाँ, तो वो सिर्फ आप डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कितना ज्यादा फ्रंटलाइन पे हमारे लिए जान जोखों में डाल के काम कर रहे हैं, बल्कि आपने उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जो कि इस वक्त आप एक महाज पे दो तरह से जंग लड़ रहे हैं या दो महाजों पे जंग लड़ रहे हैं एक साथ। सो वो बड़ी बात है कि आम लोग जो है जो कि बेशक घर से नहीं निकल रहे लेकिन उनके माली हालात ऐसे नहीं है, सब इफेक्ट हुए हैं, मैं आप हर कोई अपनी अपने जगह पर, लेकिन खास तौर पे वो लोग जिनकी सेविंग्स नहीं है बैंक्स में और जो डेली वेजेस पे काम करते थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बच्चियां और जी जी, मैं तुम्हारी बात को आगे करता हूँ और बताता हूँ कि जब से मेरे दोस्तों ने इनिशिएट किया है और इसको इस कॉज को आगे बढ़ाया है, तो कई 100 घरों में से मुझे वीडियोस आती हैं और वो बेचारी घर से स्टिच करके दे रही हैं, अपने भाइयों के लिए कर रही हैं, अपने अपने कजिन्स के लिए कर रही हैं और कुछ बेचने के लिए कर रही हैं। बल्कि मैं आज आज देख भी रहा था, तो इट्स रूटीन के जब आप स्क्रॉल करेंगे अपना, चाहे इंस्टा हो या फेसबुक हो, तो आपको कई फैक्ट्रीज अब इस काम पे लग गई हैं जो पीपी सेल कर रही हैं, तुम्हें नजर आएगा कि गेयर्स, प्रोटेक्टिव गेयर्स बहुत बिक रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आता जाता है। तो अब जब हमने स्टार्ट किया था और तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था जब कोई भी नहीं था मैदान में, अब तो माशाल्लाह काफी लोग आ गए और हमें लगता नहीं है कि प्रॉब्लम होने वाली है, तो मुझे पावर पता चल गई तुम लोगों की पावर कितनी है यार। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए अच्छा काम, जब भी तो कहते हैं ना नियत साफ मंजिल आसान, तो फिर अल्लाह भी साथ होता है। और मैं हमेशा ही इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से काम करें तो फिर कोई रुकावट आती नहीं है, मतलब फिर आप अकेले, वो कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो आपको बस अकेले अपना सफर शुरू करना चाहिए, अच्छे लोग आपके साथ खुद खुद आ जाते हैं और कारवां बन जाता है। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था आसिम कि ये जिस तरह अब आप, क्योंकि ये सारी दुनिया में इन सूट्स की और इन पीपीस की जरूरत है, तो क्या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप या आपका आपके जहन में कुछ ऐसा है कि हम लोग अगर जो बनाएंगे? हाँ, दो इश्यूज हैं इसके, मैं आपको क्लियर करूँ। सबसे पहले तो मैंने प्रिक्योर किया था 5,000 पीपीईज के लिए मटेरियल, जो कि पीयू कोटेड था, मेडिकेटेड था और रीयूजेबल था, और वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, और इसीलिए सारे हॉस्पिटल, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंडस हॉस्पिटल, हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास आ गया लालच का टाइम, और हमें कहा, हमें किसी ने कहा 1.5 लाख पीस बना दो दुबई के लिए, किसी ने कहा 1 लाख पीस बना दो लंदन के लिए, एनएचएस को चाहिए। लेकिन इशू ये आ रहा था कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी शायद मेरी ही तरह, और मैं जानता भी हूँ आपको कि यार, आप ये जो ये अभी तो एक बुरा टाइम है, अभी तो हम सब लोग इस वक्त लगे हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जब ये खत्म हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट उठ के आता है दूसरे डिपार्टमेंट के पास कि सर, ये जो आपने आसिम साहब से पीपीएस बनवाए थे ना, ये पीपीएस में इतने पैसे और इतने आपके वो पैसे में हमें लगता है प्रॉब्लम हुई है। सो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारा ऑनलाइन दिया। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, उनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ, और वो पैसे कमा भी रही हैं, वो उनका राइट है, उनको कमाना चाहिए। तो और आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इनके फाइनेंशियल्स के अंदर? मैं इनके फाइनेंशियल नहीं, लेकिन मैं पूरी प्रॉपर गाइडलाइन थ्रू ईमेल, थ्रू यूट्यूब पोर्टल हम दे रहे हैं उसको, और वो से फायदा उठा रहे हैं, और हम अब होपफुली WHO से भी थोड़े दिनों में अप्रूव हो जाएंगे, और एक दो जगहों से और भी अप्रूव हो जाएंगे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए इमरान, पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता इस काम पे, मैं अपनी पर्सनली हाँ, नहीं मुझे पता है, मुझे बिल्कुल, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, और वाकई हम लोगों को वो अली वो जो एक है ना ग्रीड जो है वो अगर आ गई तो ग्रीड नहीं है, तो वो किसी भी
और किसी खास भी तौर जगह पे पे आग आप के यू बाद। कैन हाँ नॉट मेक मनी ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स यार, जहां पर लोग मर रहे हो, आई डोंट वांट टू ट्रू। मेक मनी ऑन ब्लड यार, लाइक बहुत हाँ मुश्किल है मेरे लिए, मुझे तो खौफ हाँ आता है, और बना भी लेंगे तो क्या कमाल कर लेंगे। बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो जो हमारा मिशन था, जिसको इमरान खान साहब ने भी बाद में टेलर्स को भी खोल दिया और चीजें कर दी, तो मैं तो कहता हूँ हमारे लोगों की आवाज इतनी स्ट्रांग है, अगर हम कुछ भी निकालते हैं तो वो अल्लाह का शुक्र है, इतनी ऑनेस्ट आवाज होती है, हालांकि हम कुछ कर सकते हैं नहीं करते, लेकिन ऑनेस्ट आवाज होती है, लोगों तक पहुंच जाती है। तो अब लोगों के कारोबार लग गए हैं छोटे छोटे, हमने 3 यूनिट खुलवाए उसके बाद ऑलमोस्ट अपने लिए, अच्छा और वो 3 यूनिट में भी कई लड़कियां और लड़के काम कर रहे थे, सो अब अच्छा काफी और यूनिट सिलाई खुले मशीन हर हैं, घर में होती है, वो हर बचपन घर में में देखते हैं होती को है। मैं सलीका सिलाई मशीन, तो सिंगर सिलाई हाँ मशीन, हर वो घर अरब में तो वो होती है, हैंडी वो चीज भी आ गई है ना, वो तो आप हैंडी टक 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 हैंडी टक चीज, करके। हाँ वो भी आ गई है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कहूँ ना यार मेरी एजुकेशन और मैंने इसको एक्सपर्टीज यूज किया, देयर इज नो और ये कोई रॉकेट साइंस, जेंडर बायस भी नहीं है, कोई कोई उसमें जेंडर कोई बायस नहीं, जेंडर स्पेसिफिक। हाँ कोई भी लड़का भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है बड़े बड़े जो बिल्कुल, हमारे जो टेलर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो मास साहब होते हैं, वो मास साहब जो होते हैं, माँ वो साहब जो मास्टर होते साहब, हैं मास साहब जो होते हैं, वो हमेशा नॉर्मली पहले मर्द ही देख। मर्जी तो देख, इसमें कोई आप ये कोई जेंडर स्पेसिफाइड भी आप उसको नहीं कर कोई सकते नहीं कि जी कोई ये नहीं कोई नहीं, और देखिए इतना इजी है, अगर ये गाइडलाइन यूट्यूब, अब तो इतनी आसान दुनिया खुल गई है ईरान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब सारा टैलेंट भी एक्सचेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी चीजें भी हो रही हैं, तो बिल्कुल आसानी से बन सकता है। चलो इसकी बात छोड़ते हैं, हम तुम्हारे पे आते हैं, ये बताओ कि अगर मैं इमरान अब्बास हूँ, मैं ऑनेस्ट, मैं ये प्रोग्राम इज नॉट फॉर तारीफें, दिस 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 अच्छा इज जस्ट अ जेस्चर, इज नॉट अ, बाय द आप वे, इसको पेंटिंग तारीफ, पीछे किसकी है ये आप मुझे ये बता दें अनवर कि साहब ने, साथ खैर। ये अनवर अच्छा साहब अनवर साहब ने की, डिजाइन, अनवर साहब ने आके मेरी दीवार पे पेंट की, एक दिन उनके बेटे का शो था अच्छा 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 और अच्छा वो आए ऐसे ही अच्छा मेरे स्टूडियो में गपशप, बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास तकरीबन 25 हाँ पेंटिंग्स हैं उनकी, और मुझे बेचारे अच्छा इतना अच्छा प्यार करते हैं और वो मुझे देते हैं, तुम आओगे ना कराची, एक पेंटिंग मैं दूंगा बिल्कुल तो मैं दूंगा, बहुत जबरदस्त जा अरे रहे वाह, ये हैं, वादा हो गया बस। ये वादा हो गया आपसे, ये आपको ऑनलाइन पता है वादा ना हो कि गया मैं सर, मेरा ताल्लुक, आपको पता है ना मेरा ताल्लुक एनसीएस है। बिल्कुल सर मुझे नजर आ रहा है आपका आर्म देख चुका अच्छा हूँ मैं सर, सो वैसे मैं तुमसे सवाल ये पूछ रहा था कि देखिए ये मुझे ना आती है तारीफें करना, ना ये मैंने ऐसे शो शुरू किया, मैंने ये डेथ, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके और अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स को थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहता था, जो मैं हूँ, मैं नहीं कहूंगा हाँ यार तुम्हारी, लेकिन यार ये बताओ, जो जो सीखने की बात है, जो बंदा इंडिया में भी काम कर चुका हो, जो बंदा पाकिस्तान में भी सारी चीजें कर चुका हो, मूवी से लेके ड्रामे तक, अगर मैं खुद हूं ना, मैं अगर मैं इंडिया में काम करके आ जाऊं तो आप मुझसे बात करने की कोशिश तो कर ले इमरान अब्बास अरे साहब तो मैं आप लोगों का ये आता कहाँ से, ये हम्बलनेस आती कहाँ से, कैसे 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 आसे मुझे मुझे कंटेंट होता है बहुत इंसान, बहुत डर लगता है। और आप यकीन करो कि मैं सर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉलीवुड से ऑफर्स मुझे आज से नहीं, मैं जब से इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जब यूट्यूब का जमाना भी नहीं था, मैं तकरीबन 15 17 18 साल से काम कर रहा हूँ, उस वक्त से मुझे हर बड़े प्रोडक्शन हाउस की ऑफर्स आई, इंक्लूडिंग यशराज, धर्मा वाह के साथ तो मैंने किया ही, संजय लीला भंसाली ने मुझे 3 दफा जी फिल्म की ऑफर्स की, आशिकी 2 वाज ऑफर टू मी सबसे पहले, और हर बड़ा टिप्स से लेके यू नेम इट, अभिषेक कपूर की फिल्म, तो मैं आपको क्या क्या नाम बताऊं, कौन कौन सी नहीं बड़ी बड़ी भाई, आई फिल्म कैन में सी, ऑफर नहीं और हुई वो जो बड़ी हिट हुई और थी रणबीर कपूर की फिल्म, वो भी सुना है मैंने तुम्हें, पहले ऑफर हुई थी आई थिंक, वो जो संजय एथिलम, लीला, संजय लीला नहीं, भंसाली, सांवरिया, सांवरिया मुझे नहीं ऑफर हुई थी, मुझे ओके रामलीला ओके ऑफर हुई थी, ओचा रामलीला राम, ऑफर हुई ओ थी, माय गॉड, रामलीला थी। तो उस वक्त रामलीला की कास्ट भी डिफरेंट थी, लड़की हीरोइन भी और थी, उस वक्त प्रॉब्ली करीना अंडर कंसिडरेशन थी। तो अच्छा बहरहाल वो एक और कहानी। तो मुझे उस वक्त से ऑफर्स थी, और मैं जब भी वापस आता था अपना काम करके, और मैं जब यहाँ पाकिस्तान में आता था, सब एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि मैं उस वक्त, अच्छा मेरे पास मैनेजर वगैरह भी नहीं होता था, तो सभी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि भाई मैं वापस आऊंगा तो मैं तो फोन नहीं उठाऊंगा या क्या। और मैं कहता था कि मुझे हमेशा से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम मेरा जो मेरी जो ट्रेनिंग है और जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो इस तरह की है कि मेरे लिए कभी ये चीजें मैटर नहीं करती थी। हमारे लिए, हमारे घर में कभी हमें नहीं बताया गया कि आप कुछ अचीव कर लो तो फिर आप, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही रूटेड और बहुत ही ज्यादा सिंपल, सादे सीधे सादे से लोग थे, मैं खुद एक मलंग किस्म का इंसान, तुम खुद तो मुझे कभी नजर भी, आता है, तो वो तो नजर आता है, वो मुझे तो लगता है प्रॉपरनेस कि हाँ वो हालत से लगता है ना मलंग, नहीं, हालत से नहीं, हम्बल होने से लेकिन लगता है, डाउन टू, वही तो मैं बता रहा हूँ मुझे ना कि लगता है आसिफ कि कभी भी ये चीजें जो है ना, ये
ये जो चीजें आपसे वापस छिन जानी होती है ना, उन पे आपका गुरूर या आपका आपकी अकड़ बनती नहीं है, और उसमें से हर चीज ही छिन जानी है आपसे वापस, आपकी एग्री जवानी, कंप्लीटली आपका हुस्न, आपका आपका पैसा, आपका नाम, हर चीज वापस चले जाना है। और जब वो एग्री नहीं होगी तो उसके बाद फिर आप क्या होंगे, आप अपनी अकड़ लेके कुछ कहाँ नहीं होगा, जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप। और तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर ऐसे ही करें अपने आप को कि अपने आप के अंदर ही आने ही ना दें ये चीज, क्योंकि ये चीज कल तो आपके पास नहीं होनी फॉर श्योर। कौन सा बड़ा स्टार, कौन सा बड़ा एक्टर रह गया, या तो वो इस दुनिया में नहीं रहा या वो उसका नाम नहीं रहा, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं रहते। तो आप अभी से, मैं तो अभी शुक्र है कि ये इसने तो बड़ा मसला आसान कर दिया जो कोरोना ने, नहीं तो मास्क ये मास्क तो मेरा बहुत पहले से मेरी अच्छा वो बन गया था कि मैं मास्क लगा के मैं हर जगह चला जाता था। मैं ग्रोसरी करने खुद चला जाता हूँ, मैं हर छोटी मोटी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ अच्छा लोग अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, लेकिन जब मास्क नहीं था। और अब तो, लेकिन फिर भी लोग आंखों से पहचान लेते, हाँ पहचान लेकिन ये कि लेते हैं उनको, मुझे आंखों से, हेयर स्टाइल से पहचान लेते बिल्कुल हैं। मैं अपना बता दूं ना, मेरे साथ ये होता है कि मेरी बेटियां ज्यादातर, यू नो, आई हैव अ लवली डॉटर्स माशाल्लाह, तो वो पता है दे आर माशाल्लाह। वेरी अनकंफर्टेबल इफ आई गो टू द रेस्टोरेंट्स एंड पीपल आर कमिंग मीटिंग, सो दे दे वांट देयर ओन प्राइवेसी। तो हम लोग कोशिश अब ये करते हैं कि यार ज्यादातर यू नो घर पे डिलीवर करा लें। तो ये चीजें तो यार, ये तो पार्ट एंड अ हाँ, पार्सल है आई पार्ट थिंक, पार्सल। बट ये हाँ, यही आप लोग हैं जो जैसे हमें जब ये बनाते नहीं भी हो हैं, यही लोग हैं जो बनाते भी, हमें, और ये नहीं होती तो यही आपको तकलीफ भी होती है। अगर तकलीफ भी आप, अगर होती आप है, जाएं और आपको ना पहचाने, इस मास्क के बगैर आप निकले और आपको ना ना पहचाने, तो भी आपके पहचाने दिल में होता तो ये है भी कि अब भाई होता ये है तो, ये हो क्या गया ये हो क्या तो क्या बैक ये ऑफ क्या माइंड होता ये है। भी चल रहा होता अच्छा ये बताओ कि जर्नी कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है तुम्हारी जर्नी, क्या यार। प्लान है जर्नी तुम्हारा। बड़े बहुत मजेदार जगह पे जा रही है। अब पाकिस्तान में भी मैंने सब कुछ कर लिया, मतलब मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, 250 से तकरीबन ऊपर ड्रामे कर लिए हैं, सबके साथ कर माशाल्लाह लिए। अब मुझे आगे कुछ करने को नजर नहीं आ रहा होता, तो मैं प्रॉब्ली अब मेरे अंदर एक वो आती जा रही है चीज के, अभी एक दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जो इंडिया पाकिस्तान से थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो वो मैं ओ थोड़े दिनों में डिस्क्लोज करूंगा। बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए शायद और किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक बहुत फख्र की बात होगी। तो अभी उस आर यू थिंकिंग ऑफ सुपर हीरो फ्रॉम हॉलीवुड और समथिंग लाइक शायद 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 क्योंकि जो 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 तुमने ऑरा खींचा है और जो तुम बात कर रहे हो कंप्लीटली सुपर हीरोज ऑफ हॉलीवुड पे बात हो रही है। बट एनीवेज ये दिस इज योर राइट, कुछ ऐसा ही है। व्हेन इट्स योर तो राइट व्हेन एवर यू बस वांट टू टेल पीपल, बट यू नो फैन लेकिन तुम्हारे जानना चाहते हैं कि यार कहाँ एकदम आते हो, एकदम छाते हो और फिर एकदम खामोश बैठ जाते हो। दिस इज अभी व्हाट मैं आई थोड़े दिनों के फेल्ट। लिए खामोश ही होऊंगा। अभी मैं मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सारा काम पिछले, अभी अभी भी 4 सीरियल्स मेरे चल रहे थे और हर चैनल पे, हम जियो, ARY, उर्दू वन, तो जी मुझे जी लगा कि यार जी थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा हूँ, हाँ अभी थोड़ा सा ब्रेक। फिर कुछ मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर की डेथ हुई 3-4 महीने पहले, क्या फिर मेरी बात मम्मी है, की सॉरी तबीयत अभी खराब है। क्या सो आई वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली नाउ, बिकॉज बात, दिस इज द टाइम व्हेन आई थिंक माई फैमिली नीड्स मी द आई थिंक अल्लाह मोस्ट मियां ने इन तुम्हें माई अच्छा एंटायर टाइम नहीं लाइफ। दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल टाइम नहीं निकाला तुम्हारी मम्मी बहुत के साथ, जो तुमने बहुत मुझे कल भी बहुत ही बताया कि ज्यादा। तुम किस तरह मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कल मुझे रात को लगता जब है कि आपको जो हो मैसेज आया था जी तो मैं, हाँ, तो मैंने कहा था तुम्हें मम्मी ये के लग रहा साथ है ही कि सो रहा हूँ। स्पेशल टाइम मिला हुआ है तुम्हें, अल्लाह मियां ने स्पेशल ये दिया हुआ है कि ब्लेसिंग है, यार ऑनेस्टली ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग है है। कि ले लो। लेकिन फिर भी हाँ यार अब हम ये लोग तो शायद चाहते हैं ना कि रोज रोज तुम तो कभी लाइव भी नहीं आते, तुम ज्यादातर कोशिश करते हो कि बस अपने बारे में कम से कम बात करो, तो कैसे हैंडल करते हो सारी चीजें मेरे पास फिर कुछ नया दोबारा। बताने के लिए है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि सब कुछ तो पता है लोगों को कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, मैं क्या गाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, सब कुछ पता है। तो अब कुछ जब नया कुछ होगा तो फिर कुछ आए बंदा, वरना फिर वो स्टेल हो जाती हैं चीजें। और अब कहते हैं कि भाई बस, अब जैसे पहले के लोग कहेंगे जान छोड़ो, तो आपको खुद थोड़ा सा वो होना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हूं भी नहीं, मतलब हाँ मुझे पता है ये मुझे बात थोड़ा सा, तुम्हारी। मैं घबराहट होती है, मैं थोड़ा आदम बेजार होते हैं ना लोग, जो थोड़े से लोगों से भागते हैं, इंसानों से भागते हैं, या हो तो सकता है बल्कि सिर्फ मैं, आप अपने अपने उसमें शेल में रहते हैं, वो लोग भी तो होते हैं। मैं भी ऐसे ही रहता था, मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने शेल में रहता हूँ, या अपने चंद दोस्तों के साथ आप ज्यादा ओपन होते हैं, चाहे वो इस फील्ड के हों या नहीं हो। मेरे तो ज्यादातर दोस्त हाँ, इस फील्ड के नहीं है, और वो दोस्त असल ज्यादा दोस्त पक्के, आपके वही होते हैं। वो हाँ, असल मुझे दोस्त, और लगता वो है बड़े कि पक्के दोस्त हैं। हाँ वो बिल्कुल मेरा एक बिल्कुल, दोस्त जो लाहौर में पुराने रहता वक्तों है, के आपको शादी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो जो जिस वक्त में आपका कोई नहीं होता ना, आप उसके साथ कोई नहीं होता। सारा टाइम स्पेंड हाँ, किया हुआ होता है और आप उन्हीं के साथ रहते हैं, और वो बड़े नेचुरल दोस्त होते हैं, और वो वो बड़े आज भी नेचुरल दोस्त आपसे होते, कुछ, वो आज भी आपसे कुछ नहीं मांगते बेगरज कुछ नहीं मांगते, क्योंकि बेगरज नए वाले बिल्कुल जो दोस्त बनते हैं ना, एक तो नए जो भी दोस्त बनते हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं आता है कि यार वो इमरान अब्बास से दोस्ती कर रहे हैं, या फिर उनको ये होता है कि यार हमें मॉडल बना दो या एक्टर बना या दो एक्टर बना, या हमें ड्रामे ये में कास्ट कर पीछे। लो।
या आप ड्रामे में कास्ट करा दो, तो मैं तो ये जहां ये पता चलता है कि भाई आपका अकाउंट एक तो टिकटॉक पे है, तुम वो वहां ब्लॉक हो जाता है एक जो मुझसे कहता है कि लेकिन मुझे एक्टर बनना अच्छा, लेकिन है, जो लेकिन जिसके लेकिन में ओ, हाँ लेकिन ये प्लीज यही प्लीज लोग होते हैं यार, यही लोग फिर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, ये आपके फैन भी होते हैं, यही आपके 4-4 हज़ार शेयर्स भी कर रहे होते हैं। बट मैंने तुम्हारी एक नई चीज डिस्कवर की जो कल की है मैंने, तुम नात और हम भी गा लेते हो, मैं तो बड़ा हैरानी। वो तुम्हारा कोई अरबिक चैनल पे मैंने देखा है, क्या चीज थी वो क्या है उसके हाँ बारे में वो बताओ। मैं पिछले 2 साल से एक चैनल पे रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर रहा था, और उसमें मुझे क्योंकि मैं खुद बहुत पुराना चावल हूँ तो मुझे मेरी वोकैबुलरी बहुत पुरानी है नातों की और गानों की, तो मुझे मैं बचपन में जो नाते सुन रहा होता था पीटीवी के टाइम पे, वो मुझे अभी तक मेरे जो है ना मेरे एकोज उसकी मेरे कानों में और मेरे जहन में गूंजती है, और मुझे वो लगता था कि यार वो अब वो आनी बंद हो गई है, वो लोग चल जा रहे हैं, और इवन वो वाली नाते भी जो आज से 100 100 साल पुरानी है, सो आई ट्राई टू रिवाइव ऑल दोज एंड इवन द लैंग्वेज, ब्यूटिफुल इवन द स्कोर। लैंग्वेज नॉट इन उर्दू। यार मैं तो हाँ हैरान हो गया, मुझे तो उर्दू मुश्किल से पढ़ी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं सबसे आखिर में बैठता था क्लास में। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं सबसे बुरा बुरा स्टूडेंट था, और मुझे तो मेरे टीचर भी कहते थे कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। मैं कहा ऑब्वियसली ये अच्छा तो इसमें कोई दो राय तो हो नहीं नहीं कर तो लिया ना, और क्या सकती करना, वह वही है। लेकिन मुझे लेकिन मुझे बड़ा फख्र है, मुझे 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 बड़ी खुशी है, और लैंग्वेज हाँ लैंग्वेज मतलब मुझे इस बात पे बड़ा जैसे कहते हैं ना कि बाज लोग बड़ा एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ कि उर्दू जबान को जो है ना वो लोग ओन नहीं कर रहे होते, और अगर अच्छी होती भी है तो वो कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा उर्दू में बड़े कम नंबर लेता है, तो ये बड़े फख्र की बात है पेरेंट्स के लिए कि वो उनकी उर्दू बच्चे की खराब है और अंग्रेजी अच्छी है, तो इस कॉम्प्लेक्स से मिल जाता है कि लोगों को निकाल निकाल के लोगों को बताया जाए कि एक तो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही हमारी जो सकाफ मतलब जो हमारी जबान बिल्कुल का जो एक वो है ना जो स्ट्रेंथ है, टेक्सचर, जो वो बड़ी जो और एक टेक्सचर है वो डेप्थ है बड़ा उर्दू पावरफुल में, एक बड़ी डेप्थ है, डीप उर्दू तो इतनी नफीस और लजीज है कि नफीस मुझे जबान है। बिल्कुल नफीस जबान है। और हाँ मेरी कुछ तो दोस्त हैं, वो कल मैं परसों मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं एक खातून से मिला जो DW एक जर्मन चैनल के लिए होस्टिंग कर रही हाँ है, और उन्होंने जब मुझे उर्दू में बात करनी शुरू की, वो एक उर्दू इतनी सलीस और इतनी डीप उर्दू। मैं खुद भी आया, मेरी 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 4 फैमिलीज दिल्ली से हैं, तो मैं तो हैरान हो गया कि इतनी अच्छी उर्दू कोई बोल भी सकता है। तो उन्होंने बताया हाँ कि मैं समा में पहले, मुझे तो मुझे तुम्हारी उर्दू मुझे भी ऐसे ही लगती है कुछ, लेकिन मुझे तुम मेरी नहीं उर्दू हो। बहुत अच्छी है। हाँ और मैं बल्कि मैं तो सोच रहा था कि मैं अभी अब कुछ दिन में अपने YouTube चैनल भी शुरू करूंगा, तो उसमें मैं लड़कों को लड़कियों को और आज के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा उर्दू के बारे में बताऊं, और उनको शायरी और अदब के बारे में लिटरेचर के बारे में बताऊं, क्योंकि हमारे घर मुशायरे होते थे और हमारे घर फैज साहब का आना जाना और जी अहमद फराज माशाल्लाह, साहब और परवीन शाकिर और सारे अमजद जोश मलिहाबाद, ये बड़े बड़े शायर हमारे घर आते थे, वाह तो वाह मेरी मेरी ट्रेनिंग उनके साथ है, मैं बड़ा छोटा सा बच्चा होता था लेकिन मुझे उस वाह वक्त से वो माहौल की आदत थी, सही, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो आजकल हर कोई शायरी तो करना शुरू कर रहा है जिसको बस जो टेढ़ी मेढ़ी जो भी जबान आती है वो अब बेवजन होके बस बोलना शुरू कर देता है कैमरे की तरफ देख के लेकिन सेल्फीज तुमने बना के वो उर्दू तो उर्दू अच्छा चलो थोड़ा फन लाइटर साइड पे, तुमने फरिश्ता नहीं सुना यार, एंजल उन साहब से मिलने की मेरी बड़ी ख्वाहिश यार है, मुझे वो कहीं मिल जाए, मैं उनका इतना मुझे बड़ा फैन वो हूँ, कहाँ पाए मैं उनका जाते इतना बड़ा हैं फैन हूँ कि मैं शायद जन्नत की हूर से पहले उनकी हूर को देखना चाहता हूँ कि कितनी जबरदस्त अच्छा होगी। लेकिन कोई मैं नहीं, बड़ी फरी एक बात बताऊं, मैं बताओ जब यार। एक फिल्म कर रहा था बिपाशा बासु के साथ, उसका नाम था अच्छा एक मिनट कट क्रीचर, करूंगा यहीं पर, यार तुम्हारे इतने फैंस हैं, मेरे जो छोटे मोटे फैन है वो तो तुम्हें बहुत ही लाइक कर रहे हैं, वो सब तुम्हें हेलो बोल रहे हैं, सब तुम्हें हाय बोल हाय रहे हैं, प्लीज एवरीवन, तो अच्छा प्लीज यार थोड़ा सा उनसे आप इंटरेक्ट कर लो। मरियम हो गई, बिल्कुल जी अली रजा बिल्कुल हो गए, जितने लोग भी हैं एनी हो गई, सब आपको प्यार दे मरियम रहे हैं। अली रजा बस अक्रम 791 लीमा वाह प्रामिडिया सारी महविश एलिगेंट, महविश एलिगेंट को खास तौर पे मेरी तरफ से बहुत सलाम एंड और लॉट्स ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया एक्चुअली, और अच्छा तुम्हारी अच्छा अच्छा तारीफ अच्छा वॉइस की तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है, कोई हेलो बोलना चाह रहा है, फिर मैं बहुत जाऊंगा बहुत शुक्रिया बिपाशा आप बा। सबका, जहां जहां आप हैं और इंडिया में जो मेरे दोस्त हैं उनको तो खास तौर पे मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार, ये बस मोहब्बतें कायम रहें, क्योंकि बड़े लोग चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतें खत्म हो जाएं, लेकिन हाँ जी ये चीज है ना ये हम लोग ही इसको कायम रख सकेंगे, क्योंकि जब हाँ तक हम लोग हैं ना उस वक्त तक चीजें अल्लाह करे, बिल्कुल क्योंकि अगर यार, सभी मुझे नेगेटिव हो गए ना तो फिर रिश्ते बहुत बहुत क्या तकलीफ दे हो जाएगा बहुत सब कुछ प्रॉब्लम हो आगे, जाएगी। सो आप बताइए, आप तो अपना जो बता रहे थे।
जब बिपाशा बासु और वो तो वाला था। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वो, अब विपाशा ने एक दिन मुझे कहा, हम मैं अपनी वैनिटी में था, वो अपनी वैनिटी में थी, तो कहती है कि इमरान मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मेरे मेरे कजन है और वो, उसको गाने का बहुत शौक है, तो प्लीज जरा उसको कोई चांस वांस कहीं तुम दिखाओ, तुम्हारे इंडस्ट्री में अगर कोई है तुम भी अपने डायरेक्टर से बात करो, मैं भी बात करता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं विक्रम भट्ट, हम उस वक्त विक्रम की शूट कर रहे थे, मैंने कहा विक्रम से ही बात करता हूँ, और कहती है नहीं विक्रम से मैं बात कर लूंगी, तुम भी, तो मैंने कहा सुनाओ तो अपने कजन का गाना, तो उसने कहा तुम आओगे तो मैं साथ, तो उसकी भी सारी जो पूरा एक गर्ल गैंग होता था उसके साथ, उसके मेकअप आर्टिस्ट और उसके जो मैनेजर्स वगैरह होते थे, तो मैंने कहा सब सब मिलके, हमने कहा बहुत कॉन्सेंट्रेशन से हमने सुना, तो एकदम वो आया आई टू आई और मैं कहती इसका ताल्लुक कहाँ से, मैं कहा पता नहीं कहाँ से और मैं मुंह छुपा रहा है कहीं ये पाकिस्तान से ना निकल आए साहब, और पता चला कि उनका ताल्लुक कहीं पाकिस्तान से ही था लेकिन यार इफ ही कैन डू इट वी ऑल कैन डू इट, ट्रस्ट मी द कॉन्फिडेंस लेवल ही कॉन्फिडेंस है। अरे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज समथिंग टू यार, आई सल्यूट लाइक टू। उसको 2-3 साल लगे वो गाना ट्रांसलेट करने में उर्दू में, लेकिन ओ कमाल है यार, कमाल है। मैं वो एक वो हम सब के लिए एक चैप्टर है पूरा का पूरा उसका, तो मैं कहता हूँ हार्वर्ड पे स्टडी होनी चाहिए उस चीज का भाई, इट्स नॉट अ नो और एक इट्स और आजकल नॉट। मैं को देख रहा हूँ, मुझे कुछ वो कर रहे होते हैं जो इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी का बड़े नाजायज इस्तेमाल करते हुए, आदमी घोड़े पे बैठा होता है, वो कभी वो कभी हाँ शेर पे बैठा पुश कर होता रहा होता है है, या मैंने देखा है वो दैट्स अ ग्रीन हाँ स्क्रीन थिंग, आई हैव सीन दैट। वो कौन सा आप है, वो भी बड़े कोई वो शलवार उनका भी कोई कमीज में अकाउंट रहे। है, उनका भी कहीं कहीं अच्छा। पहले तो मैं ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता था, लेकिन फिर मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा, मैंने कहा वो तो हिट आदमी है भाई, उसमें बहुत ऐसा हिट लगता आदमी है है, वो, हम आप क्या बेचते हैं उसके हाँ आगे हाँ भाई, वो उनकी तो वो तो फॉलोइंग ऐसी वैसी है, जहाज आगे पीछे हाँ कर देते हैं यार, वो एक हाथ से ऊपर जहाज जहाज शुरू हो से गए। गिर हाँ मैंने देखा रहे थे था जहाज से, एक दफा पूरा वो गूगल मैप से वो गिरे और उसके बाद वो जमीन पे आए, तो बड़े कमाल अपनी के साहब हैं। इस्लामाबाद की स्टोरी बताओ, क्या करते हो इस्लामाबाद में आजकल, क्या होता है तुम्हारा, किस तरह सारा आजकल दिन तो निकलता यार है? आजकल मेरा दिन बहुत, मेरे इतने सारे पुराने काम थे जो मैं सोचता था कि कब उनका वक्त, 15-20 सालों में वक्त ही नहीं मिला था अपनी एल्बम्स पुरानी देखने का, अपनी अलमारियां सही करने का, अपनी लाइफ को रिलोकेट करने का, फिर मेरे पौधे बड़ा टाइम मांग रहे थे तो उनको दोबारा से, अब बड़ा अंदाजा हुआ है कि कितनी चीजें जिंदगी में जो थी वो जरूरी नहीं थी और कितनी सारी चीजें थी जो हो सकती थी, जिनके बगैर भी हम रह सकते थे। अब जो आपने, जब आपकी जिंदगी से गई है तो आपको पता चला है कि वो प्रायोरिटीज आप बड़े जरूरी आराम से थी दूसरी तरह सेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो सफल आपकी जो है ना वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो बड़ी शफल हुई है, है। तो बड़े मजे का टाइम है। मुझे बड़ा सीरियसली, मैं इस क्वारंटीन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बस अल्लाह मियाँ जिंदगी सलामत रखे लोगों की, और जिनके हालात खराब है माली और वो सब कुछ सही रहे, वो नहीं किसी यार तरह बस ऐसा कुछ हो जाए, बस, और मैं बट ऑनेस्टली रेस्ट आई इमरान थिंक लाइफ। हाँ बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के लिए काफी यार। मैं एक्चुअली सिर्फ नॉट ऑन पाकिस्तान, मैं जब स्टडी भी कर रहा था ना बाहर यूएस में, तो मैं ये देखता था कि जितने भी यार हमारे साथ होते थे स्टूडेंट, उनके किसी के पास $70 होते थे अकाउंट में, किसी के पास $40 होते थे अकाउंट में, किसी के पास $80 होते थे। यार उनके लिए तो पूरा महीना लॉकडाउन में बैठना बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, यूके में भी ऐसे ही लोग हैं जिनको बहुत मुश्किल हो सकती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सोचें, उनका भी आखिर कभी किसी, और जो गवर्नमेंट्स रिस्पेक्टिवली हर मुल्क की उनको सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट ने अगर छोटा सा स्टेप लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी इस बिल्कुल तरह नहीं करना हुआ चाहिए। कि 12,000 किसी हमारी मेट के अकाउंट में जब 12,000 आए तो शी वाज सरप्राइज्ड कि अरे अचानक 12,000 कहाँ से आ गए। नहीं, हम लोग तो यार सिर्फ बैठे हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग सिर्फ, मैं भी उन्हीं में से था टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि घर पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे हमारे बैठे अब हम अपने लोग हिसाब से जो, हाँ जी घर पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ तनकीद कर रहे होते थे, कभी किसी पे कर रहे होते थे, कभी किसी पे, कभी इमरान खान पे, कभी सीएम पे। लेकिन यार ग्राउंड रियलिटी में आके जब देखा ना, जब हॉस्पिटल जाके खड़े हो गए और खड़े होके देखा कि वो एक बॉडी, डॉक्टर बेचारी रो भी रही है, बॉडी भी शफल कर रही है, सारी चीजें कर रही, फिर समझ में आया कि यार ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट है यार, बहुत बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। तो तुम्हारी बात बिल्कुल और सही है कि हमें जो है ना, अगर इमरान खान या जिसने भी जो भी इनिशिएटिव ले रहा है अच्छा, और जो भी कोई काम कर रहा है वो अच्छा हो रहा है यार। आज आज देखिए देखो, हाँ
कोई भी अगर अच्छा एक काम करता है उसको एनकरेज नहीं करेंगे ना, तो फिर वो अगली दफा भी नहीं करेगा। तो आपको छोटी सी किसी चीज को अप्रिशिएट तो करना सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ तनकीद करके वो पहले ही आपको अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसको आप तनकीद करके उसका दिल ऐसे ही मार देते हैं कि वो फिर नेक्स्ट टाइम कहता है कि भाई ये कौम, और फिर अगर कोई ऐसा कह देते कि ये कौम ऐसी है तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, ख्वाह मौलाना तारिक जमील ही हो कि उन्होंने अगर जी, वो बिल्कुल बात की तो बिल्कुल अभी तक बेचारे एक्सप्लेन ही किए बिल्कुल। चले जा रहे हैं उस बात को, हालांकि और वो कोई यार ऐसी बात सोचो गलत यार, नहीं कर रहे थे। अपना 40 साल इस मुल्क को देने के बाद, बेलॉस देने के बाद उस आदमी ने फिर भी माफी मांगनी है तो फायदा क्या है यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ एक तो हमारी हाँ कौम का प्रॉब्लम ये कि इमरान, मैं आज तुम्हें क्लियरली बता सकता हूँ कि जितने बड़े स्टार तुम आज पाकिस्तान में नहीं हो, उससे 10 गुना बड़े तुम इंडिया में हो गए, और जो रिस्पेक्ट लेवल तुम्हें मिलता होगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक शो किया है दिल्ली में सिर्फ जिंदगी में, और 50 शो किए हैं पूरी दुनिया में। यार दिल्ली में उन्होंने मुझे ऐसे फील करा रहे थे मुझे कि मैं पता नहीं कौन हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, उनको स्टार बनाना आता है। मैं ये क्रॉस बॉर्डर साबना फैसिनेशन की हाँ बात नहीं कर रहा, उनको अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट करना आता है। वो ऐसे मुझे शो के बाद मिल रहे थे, सर आप अगर हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, यहाँ तो आपको यू नो शो के बाद लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हाँ हाँ नॉर्मली वो पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया, यार उनके उनके उस्तादों का और जो आर्टिस्ट का एहतराम और आर्ट्स इस आर्टिस्ट की आर्टिस्ट रिस्पेक्ट। हाँ रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं यार, वो चाहे वो हमारे हों चाहे अच्छा वो बिल्कुल उनके हों। बिल्कुल, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा आप तो इंडिया जाके काम कर रहे थे तो आपको शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई क्यों शर्म आनी चाहिए, इज्जत से आपको बुला रहे हैं, वो हमसे बड़ी इंडस्ट्री है आप मानिए, और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और अगर आपको प्यार से कोई बुला के आपको इज्जत दे रहा है, आपको हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस काम दे रहा है, तो इसमें हमारे भी एक्टर्स वहां जाते हैं, उनके एक्टर्स भी हमारे यहाँ आके काम कर चुके हैं, जिसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी, जिसमें नंदिता ओमपुरी दास हैं, ओम पुरी हैं, उनके सिंगर्स हमारी फिल्मों में गाने गा चुके हैं। तो ये बहुत प्यार मोहब्बत की बात है, और आर्टिस्ट को तो आप इस चीज से निकाल दें खुदा का वास्ता, मुमताज क्योंकि है, हम लोग मुमताज हमेशा है। नुसरत अली खान साहब कितना वहां काम किया और कितनी उनको इज्जत वहां मिली, बिल्कुल अग्री, राहत साहब को, ये सब भी बहुत, आतिफ असलम को, ये सारे वहां बहुत प्यार से उनका नाम लिया जाता है। और हमारे हमारे यहाँ भी जिस तरह हम, चाहे आप माने या ना माने, और लाख आप इंडिया की बुराई करें फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन कौन है जो माधुरी दीक्षित को नहीं जानता, या कौन है श्रीदेवी को नहीं जानता, या कौन है जो जिसने बॉलीवुड देख के जवान नहीं हुआ। हम सबकी यादों का एक हिस्सा है लता मंगेशकर के गाने, किशोर कुमार के बिल्कुल गाने, रफी साहब के गाने, और उनकी यादों के भी बहुत बड़े हिस्सा होंगे हमारे फरीदा खानम के गाने, हमारी अनकही बिल्कुल ड्रामा, तन्हाइयां, धूप किनारे। बिल्कुल ये बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हैं, और लोगों को हर वक्त एक नफरत की ग्लासेस लगा के, और आप जो है ना चीजों को, मैं कीड़े निकालने शुरू हो जाए तो आपको, तो आपने बड़े बड़े उलमा को और बड़े बड़े नबियों वलियों को नहीं छोड़ा, तो लोग तो नहीं हर किसी छोड़ा। की जात में कीड़े निकालते हैं, इंसान तो खैर क्या बेचते हैं, हम खता के पुतले हैं, लेकिन हर वक्त नेगेटिव मत रहा करें, और अच्छा मेरी दोस्त अगर है, यही मेरी दोस्त है ईमान, तुम्हारी भी बड़ी तारीफ करती है, और एक बात मुझे बड़ी क्लियर बताती है कि यार जब वहां पर क्योंकि हम तो 30 40 साल डिटैच रहे ना मूवीज से, हमने मूवीज लिखी नहीं, हमने बनाई नहीं सही तरह मूवीज, इनके यहाँ जो राइटर्स है ना, राइटर्स का पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। वो जो स्क्रिप्ट है वो कह रही थी 6 या 7 दफा रीराइट होता है, यहाँ तो एक बार के बाद आप शायद राइटर से पूछें तो वो राइटर कहता है भाई यहाँ तो भाई आसिम, वो मैं आपको क्या मतलब, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे ड्रामे बड़े प्यारे हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान भी के ड्रामे कहता को, हूँ लेकिन अभी तक फिल्म इंडस्ट्री को हमारे यहाँ बहुत बहुत आगे जाने की जरूरत है। और ये अभी फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ कोई ना फिल्म इंडस्ट्री है ना वो इंडस्ट्री है कुछ है, अभी इनको बहुत, अभी हमारी इंडस्ट्री ना कोई स्टार बना रही है, आप खुद देख लीजिए कि हमारे जो जो भी लोग इन फिल्म्स में आके पहली दफा इंट्रोड्यूस हुए वो क्या आज पहचाने जाते हैं, हमारी ड्रामा ने उनको इंडस्ट्री पहचान, हुमायूं सईद या फहाद मुस्तफा या फवाद खान, जितने भी हमारे माशाल्लाह एक्टर्स हैं, या माहिरा हो गई, एंड या यू यार, माशाल्लाह यू यार, थैंक आप लाइक वन ऑफ देम, और यू, वी रिस्पेक्ट यू बहुत बहुत द सेम शुक्रिया। लेवल, और मैं ऑनेस्टली लगते नहीं हो, लेकिन तुम जो है ना वो तुम्हारी तुम्हारा एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा भी है कई लोगों से, लेकिन लगता नहीं है। लगता जैसे तुमने बताया 250, नहीं, मैंने मैक्सिमम रखा होता है 60 70 ड्रामे, तो आदमी नहीं आता ना मैंने ढाई इतने में सौ खुद, ये आई आई ऑनेस्टली आई लूज द काउंट व्हेन आई स्टार्ट काउंटिंग माय ड्रामा सीरियल एंड माय वर्क प्रोफाइल। लेकिन सबा हो गई, सबा कमर, ये सारी माशाल्लाह लड़कियां माशाल्लाह, इन्होंने ये जितनी भी स्टार्स हमारी हैं आज, ये ड्रामे की वजह से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल सही तो मैं बता रहा हूँ कि ड्रामे ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन फिल्म अभी हमारे यहाँ, एक तो वही टीवी के राइटर, टीवी के ही डायरेक्टर्स हैं जो फिल्मों में जा रहे हैं, बिसाइड्स एक दो जिसमें नबील कुरैशी हैं या एक दो लोग और हैं, लेकिन फिल्मों को अभी बहुत आगे जाने की जरूरत है और बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। कोई
रिकग्निशन नहीं मिल रही। आप जब प्रोड्यूसर आपको फिल्म लेकर आता है तो सबसे पहले कहता है यार पैसे नहीं है, बजट नहीं है यार, कुछ अच्छा, करने एक फिल्म यहीं भाई। पर मैं तुम्हें रोकूंगा, एक बात मुझे भी कहनी है, साथ के साथ इनको ये भी समझना चाहिए कि वार्डरोब पे भी पैसे खर्च करने हैं। हमारे पास, जब हाँ मेरे पास 3 फिल्में आई हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन 3 फिल्मों में यही था कि बजट नहीं। मैंने कहा बजट नहीं है बजट तो नहीं, आई कैन ओनली तो फिर गिव यू आप दोज थिंग जिससे मेरा भी नाम खराब होगा। आप, और उनको पता होना चाहिए कि यार अगर फिल्म बनाने जा रहे हैं वहां करोड़ों रुपए का बजट होता है, यहाँ पर दे एक्सपेक्ट कि आप, शायद हो सकता है कि आप थोड़े पैसों में कर दें, लेकिन फीसबिलिटी का। हाँ वो हो नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। के साथ हाँ मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था कि बजट में ये चीज को भी जरूर डालना चाहिए कि यार डिजाइनर अगर हाँ कोई चीज करेगा ना तो उसकी एक साइंस होगी, एक ऑरा क्रिएट करेगा। अगर आपको 14 लहंगे चाहिए और वहां पर सिर्फ आप एक हाँ लहंगा और 14 शलवार कमीज वाली लड़कियां बचा देंगे तो वो महल तो वो पूरा माहौल नहीं आएगा। पूरा वो पूरा हाँ माहौल पूरा आएगा। पूरा ये तो ये, पेंटिंग होती है। मैं हाँ संजरी लभनसाली, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं हर फैन, रोज आई एम अ उनसे बिग मेरी फैन बात ऑफ होती हिम। है आज उनके साथ। मतलब मेरा ये क्वारंटीन बड़ा अच्छा गुजर रहा है। हम डेली गानों म्यूजिक एक दूसरे को सुना रहे होते हैं और वो अरे मुझे रेयर वाह, गाने अरे भेजे होते हैं। वाह, लता के, सो दिस इज द बेस्ट टाइम आई एम हैविंग, लाइक ये क्वारंटीन में जो सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह सुबह अच्छा संजीव रमनसाली का, जब मुझे मैसेज आता है तो मैं कहता हूँ क्या। अच्छा तो वो उनकी आप देखें, उनका एक एक फ्रेम इज लाइक अ पेंटिंग। और उसमें ये नहीं होता ओ कि आप एक किसी एक्टर एक वो पीछे जो दूर भी खड़ी होगी ना 50-60 फुट, उसके भी कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे। वो एक लगेगा कि पूरा स्केच एक है और इसके ऊपर पेंटिंग, इसके ऊपर कलर्स बिखेरे हुए हैं। तो एक प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे, क्या वो ये आर्ट डायरेक्शन जो है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। एंड आई थिंक दिस इज द वार्डरोब इज द बिगेस्ट थिंग इन द बिगेस्ट होल थिंग। या पेंटिंग। तो बजट, बजट पे जी दोबारा आते हैं, बजट जो है ना अगर आपका अच्छा हो तो फिर। और दूसरे, लेकिन संजय लीला भंसाली की मैं तुम्हें बात बता दूं, ये तो मैसेज भी उनको फॉरवर्ड कर देना, जो ये मेरी अपनी सोच है, जो जो फ्रेम इस दुनिया में दिखा सकते हैं ना, मैंने मूवीज बंसाली में साहब। देखा, जो भंसाली साहब, मेरा ख्याल है, मैंने पूरी, मैं एज अ डिजाइनर बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसे फ्रेम नहीं देखे कि पहले तो नजर आता है महल, महल से जाता है समंदर, समंदर से जाती है आबादी, आबादी से जाके पहाड़, पहाड़ से बाद जो रोशनी आती है वो तक देखने को मिलती है। वो याद तक हो देखने को रामलीला, मिलती वो है। कौन सी मूवी थी जिसमें वो पूरा वो लीला को आवाज देता है, और वो क्या नाम है उस औरत का यार, मैं उसको भूल रहा दीपिका, हूँ, दीपिका को आवाज देता है, वो मूवी कौन सी थी उसमें यार, वो बड़ी फेमस मूवी थी। बाजीराव मस्तानी। हाँ, हमने नहीं, बाजीराव मस्तानी से पहले आई थी वो, उसकी थी जिसमें वो था, जिसमें वो आई थिंक वो पूरा फ्रेम उन्होंने दिखाया था, और वो पूरा पूरा आई थिंक वो देवदास थी या कौन सी थी, देवदास थी मेरे ख्याल, देवदास में उन्होंने पूरा फ्रेम देवदास होगी दिखाया था, देवदास थी। सो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हर पीछे भी पूरे कोर्टिजांस लेयर लेयर में ना। पूरे पूरे हाँ लेयर्स में दिखाया जाता है यार, हाँ क्या हाँ क्या वो कमाल है। देवदास। सो हाँ हाँ बात देखें वो अगेन तो आप पे फिर आते हैं कि आप बताएं कि फिर कैसे इसको, इनको क्या करना चाहिए आगे, हमारे आपके जहन में क्या होना चाहिए, बजट बढ़ने चाहिए या इनको बजट इनको बढ़ने घर बैठ चाहिए। के छोटे छोटे प्यारे 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 क्यूट क्यूट ड्रामे बनाने चाहिए। यार फिर तो बनेंगे नहीं, सबसे पहले तो इंडियन मूवीज खोलनी चाहिए, मैं तो साथ हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ इंडियन मूवीज खोलेंगी, क्योंकि कल्चर एक्सचेंज होगा यूजुअली हाँ, इनकी लेकिन मैं मूवीज ये भी जब। चाहता हूँ कि फिर ये हमारी लेकिन वो फिर आसिम फिर वो बहुत बराबरी की उस पर होना चाहिए। लग रहा है हमारी फिल्म भी एक तो अच्छी बने हैं, क्योंकि पहले तो हमारी फिल्में जब वहां नहीं दिखाई जाती थी तो बहुत सारी फिल्में इस काबिल नहीं होती थी, और बहुत रेयर होती थी जो। लेकिन अब अगर कुछ अच्छी फिल्में बन भी रही हैं तो मेरा ख्याल है फिर हमारी फिल्में भी वहां दिखानी चाहिए, ताकि एक बराबरी की सतह पर हमारा काम भी एग्जिबिट हो। और फिर हम और फिर जब वो मुकाबला बनेगा तो फिर डेफिनेटली हमारी भी चीजें डेफिनेटली अच्छी एग्री, बनेंगी। तो हाँ, ये एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म ने बहुत सपोर्ट किया था यहाँ के सिनेमा को, ये इस बात से कोई इनकार नहीं है। अगर लोग बिल्कुल मुझे क्या, इस बात पे यहाँ कमेंट्स करना शुरू कर दें कि भाई ये तो गलत बात कर रहे कर रहे, नहीं लेकिन नहीं जो गलत बात फैक्ट्स एंड कर रहे। फिगर्स हैं उनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत जब हमारी शुरू में जिस सिनेप्लेक्सेस बनने शुरू हुए हैं, तो इसीलिए कि वहां उस वक्त शाहरुख की फिल्में और सलमान खान की फिल्में और ये फिल्में आनी शुरू हुई थी। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा अगेन कि हमारी फिल्में भी वहां जानी चाहिए, और फिर जब बराबरी होगी जब हमारी फिल्में वहां देखेंगे लोग, तो यहाँ तो फिर एक आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है, उससे हमें भी खुशी होगी कि हमारी फिल्में वहां देखी जा रही हैं। अच्छा, ये मैंने सो सुना था कि 400 फिल्में यूजुअली साल में वो लोग निकालते हैं, 400 साल में मूवीज, और 400 की 400 बिजनेस करती हैं, उनमें से शायद नहीं, मुश्किल ऐसा से नहीं एक। होता। अच्छा ऐसा नहीं नहीं होता, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा ओके, नहीं है। सारी लैंग्वेज बहुत वगैरह सारी मिला के फिल्में, नहीं होती। हाँ नहीं, बहुत सारी फिल्में बिजनेस नहीं भी करती, अच्छा और ओके, क्योंकि वो मार्केट इतनी बड़ी है कि वहाँ बहुत ऐसा, लेकिन वहाँ फ्लॉप भी जाती हैं। वहाँ बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में नुकसान में भी गई हैं, इसलिए कि वो इतना हैवी बजट की फिल्में थी और जब उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो वो डेड फ्लॉप थी।
मतलब वो मुंह के बल गिरी। तो ऐसा नहीं होता कि फ्लॉप नहीं जाती, बुरा कंटेंट बुरी चीज हर जगह अनएक्सेप्टेबल है, चाहे कितना भी बड़ा आप स्टार ले लें, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स की फिल्में भी जाती हैं, बट तो आगे डेफिनेटली तुम स्टार कास्ट डेफिनेटली सपोर्ट्स। डेफिनेटली करते हैं, आगे तुम क्या देखते हो, पाकिस्तान में भी कभी जाके इतनी इतनी हैवी बजट देखिए की मूवी इंशाल्लाह, देखिए बनेगी, टैलेंटेड लोग बिल्कुल बनेंगी, अभी देखिए मौला जट बनेगी आ ना? रही है, होपफुली हाँ हाँ होगा। बिल्कुल बनेंगी, मौला जट से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। और थोड़े से आपको अपने होराइजन्स नए डिस्कवर करने पड़ेंगे। बेशक मैं मानता हूँ कि अभी पाकिस्तान में क्योंकि सिनेमास कम है, इसलिए लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये फिल्में इतना बिजनेस करेंगी, तो उस हिसाब से वो बजट अपना कम लगाते हैं, इन्वेस्ट कम करते हैं। लेकिन आपको ये मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी इंटरनेशनल, अपनी सब्जेक्ट्स को। अब ये इस बेसिक जो है ना घटिया किस्म की कॉमेडी और लड़की को भगा लिया और वही सब कुछ, और वो लोग तंग आ चुके हैं देख के। आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट की अब आप सेंसिबिलिटीज को टच करें, इसलिए कि लोगों के जहन और लोगों की सोच और लोगों के विजन बहुत बड़े हो चुके हैं। तो अब आप सही ये बात है, पिटे हुए स्टोरीज लेके और अपनी नहीं घटिया चलेगी। कॉमेडी लेके नहीं चल सकती। अच्छा, आप यानी कि आपको ख्याल है कि पुरानी वाली पुराना वाला सामान नई पैकिंग में नहीं बिकेगा, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू नहीं से? बिल्कुल नहीं नहीं बिकेगा, नहीं बिल्कुल नहीं बिकेगा। बिकेगा इवन हमारी जो उसमें। बचपन की फेवरेट फिल्म्स थी, अब जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो हम अपना नॉस्टैल्जिक रिकॉल की वजह से बड़ा खुश होते हैं, रिकॉल लेकिन वो लेकिन हम हंसते बहुत हैं कि ये अरे ये क्या, अब बड़ी हाँ, हंसी आती है कि अरे ये क्या ये पहना हुआ था, ये क्या चीज थी, क्या ये पहना हुआ था, ये क्या वर्ड स्टोरी थी, ये कितना। है। लेकिन हमें वो इसलिए पसंद आती है, आज भी लम्हे मेरी फेवरेट मूवी है और आज मेरी भी बहुत भी सारी यार आज तक फिल्में मेरी, वो अनिल कपूर ने उससे अच्छी परफॉर्मेंस कहीं नहीं दी, हैं। श्रीदेवी ने। आई एम लाइक, मैं आई एम द बिगेस्ट फैन। मैंने लम्हे मेरा खैर 20 दफा देखी हो, एक गुरु हाँ और मैंने एक भी इसमें लम्हे। दो दफा देखी है। मैंने तो लम्हे बहुत देखी है। लम्हे वाज लाइक वन ऑफ द मूवी जो एकदम चेंज ओ होती है मुझे। गुरु गुरु, गुरु वाह गुरु, गुरु बड़े कम लोगों को पसंद थी उसका, खास तौर पे वो गाना मुझे बहुत पसंद है, ऐ गुरु हैरत ग्रुप आशिकी। में मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। मुझे एक पर्सनली लगता है, एक आदमी जो इतना स्ट्रांग है वो, और गुरु पता नहीं क्यों मुझे गुरु बड़ी ये वो करती है। गुरु इज ऑलवेज गिर के उठने वाली चीज, जो मुझे कि यार दोबारा 0 हुए, फिर 100 हुए, फिर 0 हुए, फिर 100 हुए, और डरते नहीं है लोग। जो कहता है ना वो, मुझे आज तक याद है उसका डायलॉग, याद है अभिषेक का। मुझे लगता है मैंने अमिताभ की बहुत फिल्में देखी हैं और अमिताभ का बड़ा फैन हूं मैं, लेकिन पता नहीं हम इंडियन पे क्यों चले गए, मूवीज पे और वीडियोस पे, और हम क्यों बात करें। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर खुला। लेकिन जितनी अच्छी अमिताभ के बेटे ने एक्टिंग गुरु में की है ना, मुझे नहीं लगता कि अमिताभ ने भी कभी इतनी, वो मोटा होना दोबारा, वो दोबारा से एक्टिंग अच्छा करना। मैंने गुरु देखी नहीं, मैं अब आप कहने पे देखूंगा। आप गुरु देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी अभिषेक ने एक्टिंग, अभिषेक क्या अमिताभ ने भी नहीं की। और जो डायलॉग्स हैं उसमें, डायलॉग्स, एवरी डायलॉग्स काउंट। आई मीन लाइक, वो जिस तरह लिखी गई है मूवी और जिस तरह पिक्चराइजेशन है उसकी, टर्की जाना अच्छा वापस आना, एवरीथिंग उसमें। आज आप गुरु देख के सोए, मजा आएगा आपको। चले आज तो हो जा हो गुरु, कि हो जा शुरू, क्या जा शुरू गुरु गुरु, हो जा गुरु, हो अब जा शुरू। शुरू। अच्छा, तो ये बताओ कि अच्छा अब क्या लग रहा है मुझे, जो मेरा एक दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो मूवीज बना रहे हैं, मूवीज में काम भी कर रहे हैं, बट वो उसने मुझे कहा कि भाई अभी तो मुझे नहीं लगता कि 6-8 महीने भी सिनेमास खुल सकेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं मूवी कोई रिलीज भी हो सकेगी, तो नहीं मूवी वट तो विल रिलीज भी नहीं हैपन? होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस भी जो है हॉलीवुड में 2021 में चली गई, जिनकी जिसकी 2020 में रिलीज थी। अब सिनेमास उस तरह नहीं जा सकेंगे और डर एक रहेगा लोगों के दिमाग में, तो वो बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली जो है ना वो बहुत ज्यादा उसकी जो है तो वो तुमने नंबर्स जो है ऑनलाइन वो ऑनलाइन कंटेंट बनाने, एक तो सबसे पहली बात ही कि मैं तुम्हें कल फिर फोन करूंगा, और तुम्हारा यूट्यूब का चैनल नहीं खुला तो फिर तंग करूंगा मैं, क्योंकि यू आर द यूट्यूब पर्सन। अगर तुम्हें यूट्यूब का चैनल नहीं है तुम्हारा, तो तुम अपने साथ ज्यादती करो, मुझ जैसा आदमी का यूट्यूब का चैनल सोचो सोचो। मेरा YouTube चैनल बिल्कुल 3-4 दिन में लॉन्च हो रहा है, मैंने बनाने की अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट पे मैं जरा थोड़ा सा काम करूंगा, थोड़ा ज्यादा। मैं कुछ जस्ट अनदर YouTube चैनल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी करना चाहता हूँ कि जो इससे पहले ना हुई हो। ओके और क्योंकि मेरा आर्किटेक्चर से थोड़ा सा वो है, तो मैं इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को टच करना चाहता हूँ, कि मैं आर्किटेक्ट हूँ अच्छा, बेसिकली। यू आर तो अच्छा, आई लव आर्किटेक्चर। मुझे तो वो फेयर फेस फिनिश एंड ऑल दोस थिंग्स मुझे तो बड़ा पसंद है यार। आर्किटेक्चर तो इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर तो मुझे बड़ा वो करता है, हाँ ये मेरा भी फैशन मेरी भी बहुत बड़ी, फैसिनेशन है मेरी, एक तरह की समझ लो। हाँ तो मैं बहुत, मैंने बचपन में जहाज भी उड़ाया हुआ है, अच्छा, बचपन मैंने में कौन सा पायलट की जहाज? ट्रेनिंग अब ली। यार ये बचपन में नहीं, तो मतलब बचपन में, ये कौन बचपन सा में नहीं, बचपन मतलब में मैं जब जहाज उड़ाया ये सोलह बताओ। सोलह 17 साल का था, तो उस वक्त मैं अपनी FSC करके जो था ये क्या, मैं 5-7 साल पहले तुमने जहाज उड़ा लिया था?
अब यही 5 साल, ये 3 4 साल। लेकिन अब मुड़ के देखते हैं तो यार बहुत कुछ, लाइफ इतनी ज्यादा जगहों से होकर आई है, तो ये कभी बड़ा कभी तो यकीन जरूरी ही नहीं है, आता कि हम सब ये बड़ा जरूरी है तुम्हारा YouTube चैनल, बिकॉज जिस तरह के वर्सटाइल तुम हो, मुझे लगता है एज अ फ्रेंडली एडवाइस है मुझे, मैं आई एम नॉट अ मैं ना मुझे स्ट्रेटेजी बनानी आती है ना मैं बनाता हूँ, बट मुझे लगता है कि तुम जिस तरह की चीज है, और मुझे लगता है YouTube पे जितना आप स्पॉन्टेनियस हैं और जो आप हैं ना, वो अगर आप हैं तो आपको, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों की फॉलोइंग है जो बिल्कुल नॉर्मल आपको लगेंगे, और मुझे लगता है वही चाहिए लोगों को, नॉर्मल लोगों से मिलना बात अच्छा, करना। मैं इतना अभी ज्यादा मैं और तुम गालिचा भी बनावटी नहीं बातें हूं, करने लगेंगे ना इधर उधर की, बिल्कुल स्क्रिप्टेड बातें करेंगे, तो मुझे ख्याल है लोग सुनेंगे भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं लोग लेंगे, सुनेंगे नहीं। हाँ बिकॉज हाँ अब लोग वो चाहते हैं कि हम रिलेट नहीं नेचुरल करेंगे बने, उससे। हाँ नेचुरली चाहते हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट सोर्स फॉर यूट्यूब, आई थिंक, मुझे लगता है थैंक यू। पर्सनली। लेकिन मुझे, मैं थोड़ा सा गैजेट सेवी हूँ, नहीं थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मुझे, मैं अभी तक स्नैपचैट पे नहीं आया, मुझे नहीं आता। वो बड़ा मैं जरूरी है इस टाइम, टिकटॉक तो मुझे तो टिकटॉक मतलब तो है नहीं टिकटॉक्स आपकी, आपका वो नहीं है टिकटॉक, लेकिन स्नैपचैट इज अ वन गुड थिंग व्हिच यू नो पीपल, देखो मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब एक्चुअली पहले मैं समझता था कि यार आपका टैलेंट बिकता है, फिर मुझे ये रियलाइज हुआ टैलेंट जरूर बिकता है, लेकिन टैलेंट को आपको सही जगहों पे बेचना पड़ता है। तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे लगता है, मैं अपनी बेटी से कह रहा था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स देयर विल बी नो टीवी, देयर विल बी नो सिनेमास, एवरीथिंग विल बी ऑन योर पाम, ये मोबाइल फोन जो होगा ना ये हाँ आपकी लाइफ ट्रू। होगा, और आपका खाना भी इसी से आएगा, आपका फ्रिज भी इसी से खुलेगा, आपकी सारी चीजें, आपके आपके डिसीजन, आपकी पल्स रेट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये आज है, 2 साल बाद तुम्हें पता हाँ होगा कि तुम्हारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आज आज तो हमें नहीं पता ना, 2 साल बाद एग्जैक्टली तुम्हें बताएगा कि सर जी हार्ट आपका जो है ना अभी 35% है, 85% है, आपका लिवर कितना चल रहा है, आपने आज लिवर के साथ क्या किया, आपने आज किडनी के साथ क्या किया, आज आपका एसिडिटी लेवल क्या है, लेकिन मुझे सही लगता है लो कभी कभी आज से, कभी कभी जो है ना, वो थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ इन्फॉर्मेशन, ब्लिस। या इन्फॉर्मेशन इज बैड बैड इतना सीरियस, ज्यादा, हाँ, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज लाइक, इज नॉट या ऑलवेज, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा वो नहीं, मैं बड़ी तो नेमत है नादानी में आई एम रहना, बाकी स्केर्ड, बात आई एम स्केर्ड ऑफ इतना इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नहीं जानना चाहिए। मैं तो लेता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ यार डिनाइल में बहुत सारी चीजें गुजर जाती हैं आपको पता भी नहीं हाँ, डिनाइल में, इग्नोरेंस में, क्योंकि अब होता ही है कि मतलब नेग्लिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी जो थे, उनका भी इंतकाल होता था और वो भी जिंदगियां गुजारते थे अपनी सब कुछ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको कैंसर है। लेकिन जब किसी को पता चल जाएगा कि मैं 4th स्टेज पे कैंसर क्यों, तो आई शायद से साल बाद मरना होता, वो 3 महीने बाद मर जाएगा, और इसलिए कि वो वो रोज मरेगा, और उसको रोज पता होगा मरेगा। यार, रोज ऐसी बातें करेगा, और अपने हाँ साथ जितने भी लोग होंगे ना उन सबको साथ हाँ लेके मरेगा, ओके यार, सब क्योंकि साथ अगर आपके करेगा। घर में ही रोज एक ऐसी बात हो रही हो तो आप सोचेंगे क्या हो जाएगा, आपके लिए हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कभी मेजर कभी प्रॉब्लम। आपको थोड़ा सा जिंदगी को उसके हवाले कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है ना, आपको बस खुश रहना चाहिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है ना, अब आपकी, मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों के पास, सबके पास, सभी के पास वो है, कौन सी घड़ी होती फिटबिट, है, क्या कहते हैं, फिटबिट हाँ, कहलाती है, फिटबिट। अब वो कित आज मैं इतना चल लिया, इतना सो लिया, इतना कैलोरी बर्न कर ली, इतना कुछ कर लिया, और मैं उनसे ज्यादा फिट हूँ, मेरी कमर उनसे ज्यादा कम है, मेरी बॉडी उनसे ज्यादा टोंड है। और मुझे पता होता है कि यार मैं सब कुछ ये जाने बगैर तुमसे ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, हाँ और जरूर तो तुमने क्या कर लिया मुझे इतना टिटबिट फिटबिट करके, तो टिटबिट करके। टेडविट करके। अच्छा ये बताओ कि अगर हम तुमसे रिक्वेस्ट करें अपने फैन के लिए, कुछ सुनाओगे, कोई अच्छी सी तुम नाच सुना सकते हो कुछ भी, मैं आई वाज अगर पॉसिबल है तो कंपल्सरी मैं तो गुरु का गाना लेके बैठा हुआ था एकदम, गुरु से। हाँ ये गा सकते हो तुम, गाओ यार, देखो कोई वो नहीं है, हम लोग, हम तो बिल्कुल चिल हो गया, बिल्कुल यही तो बात है अच्छा, इसकी, तुम जो सुनाओगे वो सुनेंगे, फिर हम खत्म नाथ पे करेंगे, ताकि जो है ना ठीक एक ठीक अच्छे नोट ठीक पे खत्म हो। ठीक ठीक बिल्कुल सही हो है, गया। बिल्कुल बेस्ट है। हैरते आशिकी वाह जगामत, पैरों से जमी जमी जलगामत, ए हैरते आशिकी, ए हैरते आशिकी, हाँ हैरते आशिकी, क्यों उर्दू फारसी बोलते हो, क्यों उर्दू फारसी बोलते हो, 100 कहते हो 10 तोलते हो, झूठों के शहनशाह
बोलो ना कभी झांको मेरी आंखें, कभी झांको मेरी आंखें, यार सुना है एक दास्तां जो होंठों से, बोलो ना ए हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमी जमी लगा मत, रम पर वाह रम wow. पम चश्म चश्म नम सुन मेरे हमदम, हमेशा इश्क में ही जीना। वाह बड़ा सोलफुल यार, मजा आ गया यार। ये तो तुमने एक और बार सरप्राइज कर दिया मुझे। अब अच्छा मैं तुम देखो ना, देखो मैं शायद गुरु जाके देखूं रात को दोबारा। गुरु वैसे वन ऑफ द मूवी है जैसे देखने है। यार ये तो मतलब मेरे फैंस भी कह रहे हैं भाई, बड़ा वंडरफुल वॉइस, बड़ा सोलफुल वॉइस, थैंक यू सो माशाल्लाह। मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम इस्लाम क्या है, इस्लाम प्रिंसेस, इस्लाम इस्लाम आयशा प्रिंसेस। ब्लॉग भी कह रही है, जबरदस्त गा अच्छा रहे हैं आप। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई NAKH बहुत नाम बड़े मजे मजे के होते हैं हाँ बड़े बड़े लोग के, है माशाल्लाह यू आर ना। वेरी टैलेंटेड भाई इमरान। दिस इज शी इज हर नेम इज आई थिंक, हाँ बहुत नाम, जल्दी जल्दी ऊपर जाते जा रहे हैं। हाँ बहुत और जल्दी मैं भी, होता है, हाँ बहुत जल्दी जल्दी होता है। अच्छा तो ये और फिर उनको बताओ कि शिकायत ही होती है कि हमें जवाब नहीं दे रहे, आप हमारा नाम कभी नहीं ले रहे, आपने हमारे कोई मैसेज नहीं। हाँ कोई जवाब नहीं दे, कोई एल्बम भी की है, कोई चीज की है तुमने? मैं इतना इस इंटरेस्ट नहीं, है। नहीं, अभी नहीं की, लेकिन मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। एल्बम तो खैर एल्बम के जमाने चले गए सर, वो अब तो भाई एक एक नंबर हाँ, आते हैं अब एक तो। एक हाँ वो एक नंबर वक्त था। था ना जब हम कैसेट्स खरीदने जाते थे सब ठीक है कुछ, तो बट अब यार अगली कलेक्शन जो आ रही है ना, तो इसमें मैं तुमसे अभी लास्ट टाइम आसिम ने एक छोटा सा मेरे लिए सॉन्ग किया था, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो अपनी जो कलेक्शन आती है तो हम एक वीडियो करते हैं, तो उस पर बड़ा जबरदस्त यार। मुझे तो आई एम सरप्राइज, मतलब क्या सारे एक्टर्स, अली जफर तुम हो गए, सबकी आवाजें, इनका एक्टिंग भी करते हो और आवाजें भी इम्प्रूव करते रहते हो रोज रोज, हाँ, बल्कि क्या इंडिया होता में है? जो जाते थे तो सब वहां सब ये कहते थे कि भाई पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं क्या वो सभी गाते हैं, क्योंकि अली गाता था, मैं गाता हूँ, फवाद भी गा सकता है, और वो हाँ सब समझते थे कि हमारे यहाँ सारे लड़के जो हैं वो जो है वो यही होता है कि गा भी सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इत्तफाक है कि जो तीनों लड़के आपके पास हमारे आए वो हम तीनों गा सकते हैं, लेकिन फहद मुस्तफा बहुत अच्छा गाता है। और भी मैं एक दो जगह जानता हूँ, वो कौन सा मॉडल है हमारा, उमर फवाद तो उमर वैसे भी शहजाद ही याद है, सिंह, हाँ हाँ भाई फवाद, और हमारी हाँ ही मुलाकात भी सिंह। थी याद होगा शायद तुम्हें, दफा कराची में। बड़ा फवाद भी बड़ा टैलेंटेड है माशाल्लाह, ही इज आल्सो बहुत वेरी बहुत अच्छा, टैलेंटेड, बहुत बहुत हाँ अच्छा हाँ आई मीन बहुत टैलेंटेड भाई। रिस्पेक्ट को, जो को वर्कर्स और को सेम कैटेगरी में काम करने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं ना यार, मुझे उनको बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल फवाद इज बिल्कुल वन ऑफ देम, बिल्कुल फवाद इवन तुम्हारी तो खैर सही मारिया कह भी बहुत तारीफें करती है, लाइक मारिया, मारिया वास्ती इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। रहे अच्छा आप कराची, ये नहीं हैं। होगा बाई कार ही आ जाओ तुम, मैंने तो कल अली अजमत को कहा है बाई कार आ जाओ तुम, उन्होंने मैं तो कहा था आता यार, हूँ, मैं तो आ तो जाओ। बहुत आता हूँ, मैं तो 2 दफा कराची से इस्लामाबाद ड्राइव करके खुद आया हूँ, रास्तों नहीं में ढाबों पे अब रुका जबकि हुआ जहाज नहीं चल फिर। रहे हैं तो अब तो गाड़ी में आया जा सकता है, जरा आ यार रहे हैं बिल्कुल उदय मेरा से। प्लान है, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस वीक में मेरा प्लान है कि मैं कराची चल आ आऊंगा, जाओ, मजा और आएगा यार, बल्कि बस अच्छा जरा ठीक गपशप लग जाएगी, मजा भी आ जाएगा, और आपसे है और भी बिल्कुल। मजीद बातें हो जाएंगी इसके अलावा भी। आप हाँ बताएं हाँ नात बिल्कुल कौन सी बिल्कुल। सुना रहे हैं आप, ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लिया जाए। एक जबरदस्ती एक नुसरत फतेह अली खान साहब की एक नात थी जो कि राग मालकौंस पे, ये नहीं जिक्र करना चाहिए बट अगेन राग तो है, उस राग के ऊपर कंपोज हुई है, राग मालकौंस एक बड़ा प्यारा राग है, और उस पे पाकिस्तान और इंडिया के बड़े खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं, जिसमें वो है आया लड़िए या तेरा, बिल्कुल इट्स अ वेरी सोलफुल। और इसमें अक्सर लोगों को शायद बुरा लगे कि मैं कह रहा हूँ नात में राग का जिक्र, लेकिन जितनी भी बेसिक कॉम्पोजिशंस होती हैं, मैं आप सब लोगों की इतला के लिए मैं बात बताऊं कि वो किसी ना किसी राग पे ही बेस्ड होती हैं। नहीं, अमीर खुसरो ने जितने भी राग काफी इन्वेंट किए थे इंफॉर्मेटिव जो बात है, मुझे भी काफियां नहीं पता थी, कव्वालियां, मुझे भी नहीं वो पता कहीं थी ये ना बात। कहीं आपको, क्योंकि बेसिक जितने भी कॉम्पोजिशन
किस कोई भी कॉम्पोजिशन होती है वो कहीं ना किसी किसी राग से जाके जुड़ती है। तो जब बड़े असाध्य और उस्ताद जब कोई भी धुन बनाते हैं, कोई भी तख्लीक करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई राग जरूर होता है। सो ये भी एक राग है मालकोंस, जिसके ऊपर ये नात है, पंजाबी नात है, और नुसरत फतेह अली खान साहब की पढ़ी हुई थी। वो मैं आपको उसके दो शेर सुनाता हूँ। सारे नबी आदा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबी आदा नबी तू इमाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, सारे नबी आदा नबी तू इमाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, होई रब नाल तेरी कलाम सोनिया, होई रब नाल तेरी कलाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। वाह माशाल्लाह यार, अमेजिंग टैलेंट नहीं आप आए, बस अंत है जिसको कहा जाता है ना, मजा आ गया। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बात करता हूँ दोस्तों से, मैं 15 मिनट 10 मिनट फोन पे भी ज्यादा मुझसे बात नहीं हुई, लेकिन तुमसे 1 घंटा हमारा गुजर गया, हमें पता ही अच्छा, नहीं चला हम कब पता भी नहीं हुए, वाकई नहीं पता पता भी नहीं चला। चला। और इसके लिए तो अब मैं कह रहा हूँ एक और सेशन होगा फिर तुम्हारे आने एनी से, पहले टाइम ही आने के आसिम, बाद, तो बड़ा मजा आया। और एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यार, आसिम ऑलवेज व्हाट अ हम्बल पर्सन यू आर, व्हाट अ टैलेंटेड गाय यू आर। आई मीन आई विश मैं अपने सिर्फ अपने बारे में ये सोच सकता हूँ कि यार मैं ये सब स्टेज आने के बाद भी इतना ही हम्बल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत कम लोग बहुत होते हैं शुक्रिया। कि ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और अगेन बता रहा हूँ अपने फैन को कि ये वो दोस्त है मेरा जिसने सबसे पहले खड़े होकर मेरे साथ कहा कि भाई ठीक है यार हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े कोई बात नहीं, हम आप, मुझे आज ऑलवेज भी वो वॉइस नोट याद है यार, थैंक यू सो मच यार, बड़ा थैंक यू मजा आया। आसिम, और हमेशा हमेशा आगे भी मैं आप जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी, मैंने आपको बहुत दफा वॉइस नोट्स में भी यही बात की है कि आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ठीक जिंदगी है, में, बस कभी मैं भी आज से 10-15-20 साल आज बाद अगर आज मैं हुआ संडे तो और नेक्स्ट संडे से पहले तुम कराची भी आ रहे हो, तुमने ये भी कमिट किया, सो आई विल और सी हम यू बहुत अराउंड। जल्दी दोबारा से दोबारा जो है अपनी लाइव चैट पर आने वाले हैं ठीक है इंशाल्लाह। मैं जान, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू, बाय बाय। ठीक है, लवली टॉकिंग टू यू, बाय बाय।